तो अभी जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और अभी से डिमांड शुरू। क्या खाना है बोला है? मंजिता दौड़ दौड़ के आते हुए यहाँ पे गमला लेके आते हुए सबसे पहले गाउच्चे ने ढूंढा। देखो गाउच्चे ने ढूंढा। मंजिता कैसा लगा आज घर में? टेस्टी लगा। हाँ बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हम जा रहे हैं मंजिता से मिलने के लिए। केवल मिलने के लिए ही नहीं, उसको जो है घर पे भी लाना है। दुर्गा पूजा की छुट्टी आ चुके हैं तो इसलिए वो घर पे आ रही है। और आज पेरेंट टीचर मीटिंग भी है और मंजिता का जो टेस्ट वगैरह हुआ था ना उसका रिजल्ट वगैरह भी मिलेगा। तो अभी जाके देख लेते हैं कितना स्कोर हुआ। दीदी तो पहले पहले स्कूटी पे चली गई है तो मैं और जेरी जो है धीरे धीरे स्लोली स्लोली जाएंगे अपना ब्लैक पैंथर में। और गाबुच्ची को देखो गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है। और ये हम लोग का घर पे एक बिल्ली आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया देखिए। और गाबुच्चे वाह, दोनों पूरा खेलते रहते हैं। हम लोग का गाबुच्चे जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है देखो। वाह खेलते भी है लेकिन ये थप्पड़ दे देता है तो डर जाता है ये। देखो 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 गाबुच्चे कम ऑन, काटो उसको। मजाक करते रहो दोनों साथ में। हाँ ये मेरे साथ ही ज्यादा अटैच रहता है देखो। तो अभी एक्चुअली जो है नहाना है, जेरी नहा रही है। तो नहाने के बाद फ्रेश अप होने के बाद जाएंगे हम। दीदी तो अब तक जो है आधे रास्ते तक पहुंच ही चुकी होगी। दोस्तों अभी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और आज जो है देखिए मेरा ड्रेसिंग एकदम कैसा लग रहा है, थोड़ा दिखा दो। फुल लुक, फुल लुक गाइस, ये ऐसा मैचिंग हो रहा है कि नहीं पता नहीं, बट पहली बार। अभी धूप तो है लेकिन ठंडा है गाइस यहाँ पे। अभी बाइक राइडिंग करने का टाइम में भी बहुत ठंड लगता है। और काबुच्चा बार बार भाव भाव कर रहा हमारे साथ जाने के लिए लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग मंजिता को लेने के लिए जा रहे हैं। एंड अभी चलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, उसका 2-3 घंटा रुकेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मंजिता को लेके। और पिज्जा विज्जा भी खाना है बोला है इसको, तो मंजिता को साथ में ले जाके खाएंगे हम लोग। और रील्स वील्स भी बनाएंगे हम लोग गोल्डन पे कोटा में, है ना। चलो अभी चलते हैं, ये देखो इसका लुक। चले अभी चलो चलो, अपना ब्लैक पैंथर रेडी है गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मंजिता के हॉस्टल पे। तो दीदी तो आगे आगे पहुंच चुकी है, वो शायद अंदर पे चली गई है। तो अभी हम भी जाएंगे अंदर में और जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वहाँ पे हम भी अटेंड हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं, वो उधर जाना है, यहाँ पे दीदी को दिखा। ओह दीदी यहाँ पे है। अच्छा ये देखिए गाइस मंजिता का, मंजिता इधर देखो। इतने दिनों के बाद बहुत शैतान हो गई है गाइस, बहुत कंप्लेन आ रहे हैं। और पूरा जुए हो चुके हैं बहुत। दीदी यहाँ पे निकाल निकाल के पूरा मार रहे हैं जुओं को। डॉगी बन चुकी है, किसी को काटा है। खेलते टाइम पे वो लोग खेलने नहीं दिया है, बोलता है इसको। इसलिए कहता मंजिता। अभी घर जाने के बाद अच्छे से तेरा क्लास लेंगे। हाँ। अच्छे से पढ़ाई किया, क्या किया सब पूछेंगे। किताब विताब सब लेके जाना। कितना दिन के लिए एक्चुअली छुट्टी है? 5 दिन दुर्गा पूजा पूरा 5 दिन। अच्छा गाइस अभी जो है हम लोग का पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाला है तो इसके ऊपर चलते हैं मीटिंग में। मीटिंग अटेंड करने के बाद कुछ सिग्नेचर वगैरह करने के बाद जो है मंजिता घर जाएगी। शायद 5-6 दिनों के लिए छुट्टी मिला होगा और घर पे अच्छे से उसको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। चलो अभी ऊपर। बाप रे, पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हो चुका है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। देखिए दीदी को भी बोर लग गया इसलिए फ़ोन पे पूरा बैठ गया। और वहाँ पे जेरी को इतना बोर लग रहा था पूरा नीचे चली गई है। और मंजिता का सर पे जुएं देख रही है देखो। और वहाँ पे देखो पूरा बच्चे लोग खेल कूद कर रहे हैं। भाई मैं भी नीचे चला जाता तो बहुत बढ़िया होता। जेरी ने अच्छा किया नीचे चला गया एकदम खुली हवा पे। फाइनली गाइस द मीटिंग इज ओवर, अभी जाना है। बहुत बोरिंग था भाई। चलो भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग चुका है यहाँ जाने के लिए तो यहाँ पे रुकना ही अच्छा होगा। जेरी लोग तो वहाँ पे रुका हुआ है तो अभी जाना है बस। देखो बच्चे लोग पूरा रेडी है सब अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए। यहाँ पे देखो पूरा वेट कर रही है जाने के लिए। रेडी? रेडी कर दिया। खुश हो कि नहीं? खुश हो? बात क्यों कम करते हो? क्लास में तो पूरा बात करते हो बोला है कंप्लेन। अभी किताब विताब सब ले लिया ना? अच्छा सब डाल दिया, पूरा खत्म, पूरा खत्म कर दिया। और कपड़े सब डाल दिया। अच्छा अभी जाओगे सुसु का गन। क्या हो गया? तू जाके गाबुच्चे से ठीक से खेलेगा ये। हाँ तो अभी जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और अभी से डिमांड शुरू। क्या खाना है बोला है? पराठा। पराठा
इसे पराठा खाना है भाई, पराठा खाएगी। हम कह रहे हैं इसे पिज्जा खिलाएंगे लेकिन ये पराठा खाएगी बोल रही है। ऑफर दिया था मैंने, पिज्जा खाएगी। पिज्जा का बदले में पराठा। पराठा कैसा होता है? कैसा होता है पराठा? टेस्टी होता है। उसका शेप कैसा है? गोल होता है ना, क्या होता है? गोल। अच्छा, कहाँ मिलता है पराठा? कहाँ मिलता है पराठा? मम्मी खिला देगा बोल रहे। तो दोस्तों अभी दीदी भी आ चुकी है एंड सब कुछ हो चुका है, इसका रिजल्ट भी मिल चुका है एंड इसका रिजल्ट अच्छा खासा आया है। लेकिन एक सब्जेक्ट इसका जो है बहुत खराब हो चुका है, सोशल स्टडीज। इसका जो है 67% आया है ना टोटल। हाँ 67, जो कि अच्छी बात है। पहली बार है, अभी फर्स्ट टर्म है, अभी फर्स्ट टाइम स्कूल में, और 67 मिला फर्स्ट टाइम लाइफ में। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी है उसी में खुश रहो। अभी चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, इसको क्या खाना है बोल रहा है, पराठा और आटा खिलाना है इसको। चले चले, अभी चले जाते हैं। बहुत बोरिंग था यार पेरेंट टीचर मीटिंग, ये लोग तो पूरा निकल के आ गए, मुझे छोड़ के आ गए। चलो, किसका साथ बैठेगी ये? मम्मी के साथ? वाह, मेरे साथ। मेरे साथ से फील करता है। चलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नामसाय में। मंजिता भी हमारे साथ आई है। हम लोग जो है तीनों बाइक में आए हैं। एक्चुअली जो है मंजिता दीदी के साथ नहीं आई, दीदी अकेली अकेली आ रही है धीरे धीरे स्कूटी में, तो वो भी पहुंचती ही होगी। तो हम लोग यहाँ पे लजीज पिज्जा पे जो है पिज्जा खाने जाएंगे। ये देखो आगे आगे पूरा चल रहे हैं। चलो, हाँ लगा दो चश्मा लगाई के। चलो मंजिता, तो यहाँ पे बैठ के मंजिता पूरा आइसक्रीम खा रही है। देखो जेरी ले लिया चॉकलेट, क्योंकि इसको सर्दी हो चुका है, और दीदी भी पहुंच चुकी है और मैं भी आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो गाइस आ चुका है यहाँ पे पिज्जा, और ये देखो खाने के लिए पूरा उतावली है जेरी। और मंजिता जो है पिज्जा को देख के नहीं खाएगी बोल रही है। पिछली बार भी लेके आया था, एक पीस खाया था, उसके बाद खाया ही नहीं इसने, बस आइसक्रीम से काफी है। और इसने अभी अभी खाया भी था ना रोटी और वो सब चिकन विकन जो लेके गया था वो खाया। ओ हो, खाओ ना मंजिता एक बाइट, नहीं खाएगी वो ना पिज्जा देखने से पूरा मुँह देखो ना उसका शक्ल, पहले भी लेके आया था नहीं खाती है। ये सॉस डालो, सॉस एकदम बढ़िया है। दोस्तों ये देखिए दूसरा पिज्जा आ चुका है मशरूम वाला। वाओ, इसमें तो पूरा ऑयल ऑयल है यार, ये देखो। चलो मसाले वसाले डालो, फटाफट फिनिश करते हैं, उसका चले जाते हैं ना स्टार्ट। ये तो बिल्कुल जलेबी की तरह बन गया। yes. चलो अभी खाते हैं, स्टार्ट गाइस स्टार्ट। मंजिता ट्राई करो। गिरा गिरा के खा रहा हूँ गाइस, ये देखिए पैन में भी गिरा दिया है और लास्ट बचा है बस, यहाँ से एक और खाएंगे हम। ओ मजा ही आ गया आज तो, चीयर्स। पूरा खा लिया गाइस, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन मंजिता पता नहीं क्या हो गया, ये पेट भर के खाया था हॉस्टल पे इसलिए खा ही नहीं पा रही है। दीदी चिकन लोकल चिकन बना के लाई थी, वो खा दिया, इसलिए मंजिता बेचारी पेट फूल है, नहीं खाती है। एक्चुअली जो उसको पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो अभी हम गांव पहुंचने वाले हैं गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम लोग जो है गुनानगर का दिल्ली बाजार पे। मंजिता जो है आते आते पूरा सो गई थी ना बेचारी, और पर्स ये गाउचे के लिए मैं यहाँ से एक्चुअली चिकन के सर पाव वो सब लेके जाता हूँ, डेली चाहिए उसको, तो इसके लिए 20 रुपया का, एक बार ले जाने से 2 दिन खा सकता है वो। फाइनली हम घर पहुंच गए दोस्तों, और मुझे दौड़ दौड़ के रहना पड़ रहा है, वरना ये मेरा पूरा पैन गंदा कर देगा व्हाइट वाला। दीदी आ गया, दीदी के साथ खेलना अभी, ठीक है? आते ही सबसे पहले गाउचे को खाना दे दिया, तो खा रहे हैं अभी। खाओ खाओ, यहाँ पे काला क्या लग गया भाई, क्या काला काला लग गया? मंजिता ये देखो हम लोग का न्यू डॉगी, पहचाना? अभी देखिए गाइस दीदी भी पहुंच चुकी है, और गाउचे पूरा खुश, जो भी घर पहुंचता है पूरा खुश। और मंजिता देखो पूरा नीचे में बैठी हुई है, मंजिता और गाउचे खेल रहे हैं।
मंजिता को गिफ्ट मिला 500 नहीं का गिफ्ट 67% का। ये क्या चांदी का है क्या? गाइस ये देखो मंजिता ये तो चप्पल में पूरा वो हो गई है, देखो चांदी के है कानफूली पकड़ो मम्मी को थैंक यू बोलो पास होने के लिए, और ऐसे अच्छे से पास हो जाए और मिलेगा। अयो ये देखो ये मुझे काटते रहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दीदी ने ऑनलाइन सामान उधर दिया था, इतना बढ़िया आया ना, 1100 रुपए में दो ट्रॉली, वो इतना अच्छा है। ये विशाल मार्केट में या फिर नॉर्मल मार्केट में जाने से ना इसका कम से कम 5-6 हजार रुपया होता, वो एकदम बढ़िया वाला मिल गया। मंजिता को पूरा चांदी मिल गया, चांदी बढ़िया। यार हमें भी एक ऑर्डर देना पड़ेगा, 1100 रुपए में दो ट्रॉली, भाई साहब अनबिलीवेबल। ये बढ़िया है छोटा वाला, एकदम क्यूट है, जर्नी में मजा आएगा। नया नया बैग पे पूरा कपड़े डाल रहे, पूरा बाजार बना दिया इससे, देखो बाजार बाजार 10 रुपया 10 रुपया। मंजिता आते ही दुकान खोल दिया। अभी पूरा शाम को देखो गाबुज्जे भी खेल रहा है, मंजिता भी खेल रही है, हम लोग का बिल्ली भी, ठंडा लग रहा है ना, और मम्मी यहाँ पे एलोवेरा पे पानी दे रही है देखिए। वैसे डेली ना पानी देते देते ये पूरा बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े एलोवेरा है हमारे घर के एलोवेरा, और ये तो मिस्टर डिस्टर्बर हमेशा डिस्टर्ब कर दे। यहाँ पे काटा मुझे फिर, हट 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 बदमाश बदमाश, दिल थोड़ा के है बड़ा। चलो हम लोग साग तोड़ते हैं ना, शाम को डिनर करेंगे, आओ मंजिता। हाँ गमला एक तो लेके आओ मंजिता, साग तोड़ते हैं। चलो गाबुज्जे भी आएगा तोड़ेगा हम लोग का साग। मंजिता दौड़ दौड़ के आते हुए यहाँ पे गमला लेके आते हुए और जेरी मामी को देते हुए गमला, और दोनों साग तोड़ते हुए गाबुज्जे भी पीछे पीछे आते हुए गाबुज्जे देखो गाबुज्जे का नाम बोलते ही मेरे पास आते हुए। तो एक्चुअली आजकल जो है पूरा साग जो है रेडी हो चुका है, तो डेली साग खाने का मन करता है, ग्रीन वेजिटेबल वो भी एकदम ऑर्गेनिक वाला गाइस, तो डेली खाना तो बनता है एकदम हेल्दी हेल्दी। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि डेली चावल खाने से जो है मोटे होते हैं, तो हम लोग किस लिए मोटे नहीं होते, हम लोग बचपन से चावल खाते आ रहे हैं, और इवन माँ का दूध जो है छोड़ने के बाद हम लोग सबसे पहले जो है चावल ही खाते हैं गाइस, तो हम लोग तो कभी मोटे नहीं होते, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन लोग बोलते हैं यार मोटे होते मोटे, अब तक तो हमें पूरा हल्क बन जाना था इतना हम चावल खाते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम तोड़ लेते हैं, ये देखिए गाइस, ओ ये देखो, अरे बाप रे, मैं जैसे बेच जाता हूँ सीधा गोडी पे। इधर में मंजिता पूरा रेडी है, ये लो और तोड़ते हैं, ओहो ये लो, ये ले लो, जितना भी तोड़ना था गाइस तोड़ लिया। ये देखिए इतने सारे, पूरा बॉयल करके खाएंगे ना, आज मंजिता को लोकल ऑर्गेनिक खिलाएंगे। गाउच्चे के साथ देखो खेल रहा है। चलो और क्या ढूंढना है, लौकी। चलो यहाँ पे रहा हम लोग का लौकी का साग दोस्तों, और यहाँ पे मुझे एक लौकी मिल गया, ये देखिए एकदम बढ़िया वाला मिल गया। सबसे पहले गाउच्चे ने ढूंढा, देखो गाउच्चे ने ढूंढा, गुड बॉय, तोड़ लिया गाइस। ये देखिए लौकी एकदम ऑर्गेनिक है, इसलिए यहाँ पे देखिए ऐसे पर जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक होता है ना इसमें कीड़े मकोड़े ऐसे पर जाते हैं दोस्तों, तो आप मार्केट से खरीदो ना तो उससे अच्छा आप लोग अच्छा वाला खाने से पहले ये वाला खाओ जिसमें कीड़े मकोड़े लगा हुआ, हेल्दी होता है। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए टमाटर की चटनी बनाने के लिए रेडी, मैंने यहाँ पे मिर्च की चटनी भी बना दिया है। एक्चुअली जो लौकी हम लोग तोड़ के लेके आए थे वो पूरा बुढ़ा हो चुका है, बेकार में तोड़ दिया, वो नहीं खा पाएंगे, और वहाँ पे मम्मी जो है साग को बॉयल कर रही है, और ड्राई फिश एकदम उसको जो है पकाया है, तो मंजिता का वेलकम मस्ट लोकल ऑर्गेनिक वाले साग ड्राई फिश और ये वाले चटनी के साथ, तो कल ही ये खाएगी रोटी ना, इससे रोटी खाने का मन कर रहा है तो कल सुबह खाएगी। देखिए दोस्तों आज का थाली एकदम परफेक्ट, और यहाँ पे ड्राई फिश का सब्जी, तो यहाँ पे बैठ के सभी लोग खा रहे हैं, और मंजिता को टीका लग गया, हाँ कर रहे हैं हॉस्टल से आने का बाद, तो ये दोपहर का थोड़ा सा चिकन बचा हुआ था उसके लिए रखे थे, तो वो दे दिया चिकन, एंड यहाँ पे खा रहे सभी लोग बैठ के मिल के। आज हम लोग का फैमिली कम्प्लीट, देखिए 5 लोगों का है बस हम लोग का फैमिली, और मैं अकेले लड़का, अभी एक और मेरा दोस्त आ जाता तो क्या ही बढ़िया होता, लड़का दोस्त
पूरा फिनिश कर दिया गाइस, देखो मम्मी ने भी फिनिश कर दिया सब ने, आज तो बहुत मजा आया। मंजिता कैसा लगा आज घर में? टेस्टी लगा। बढ़िया, ऐसे ही खाओ और खाओ। खाना होना खाने के बाद दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे मंजिता पूरा खा रही है पोमेग्रेनेट अनार। असे असे अनार आसे वेरी गुड। हिंदी में तो पूरा नंबर वन है, 50 में 47 मिला मंजिता को। चलो मैं अभी भुज्जे के लिए जो है अपना गावुज्जे के लिए यहाँ पे बॉयल कर रहा हूँ चिकन। तो दोस्तों चिकन के टांग एंड इसके जो सर वगैरह है उसको पीस पीस करके इसको बॉयल करके हम खिलाते हैं चावल के साथ। ये देखिए चावल रेडी है, इसके साथ बॉयल करके मिक्स करके दे देते हैं। गावुज्जे को भी अभी खाना खिला दिया दोस्तों, देखिए पेट पूरा फुल हो चुका है, पूरा खा नहीं सका है, बहुत ज्यादा दे दिया। और साथ में बिल्ली को भी खाना दे दिया, उसने खा लिया अपना हिस्सा। तो अभी जो है अपना गावुच्चे को भी खाना वाना खिला दिया, सबसे पहले हम खाते हैं उसके बाद उसको एकदम बढ़िया से बॉयल करके खिलाते हैं, पूरा मिर्च विर्च कुछ नहीं देते, उसको अलग से बॉयल करके देते हैं हम लोग। तो आज जो है बहुत ही खुशी का मौका है, मंजिता जो है आ गई है 5 दिनों के लिए घर पे। तो इतने 2 महीने हो चुके उसको मतलब हॉस्टल पे गए हुए, तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो काफी बढ़िया रिजल्ट है। एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत खराबी हो चुकी है लेकिन टोटल मिला के जो है उसको 67% मिल चुके हैं, तो काफी प्राउड वाली बात है। पहली बार स्कूल पे गई है, उससे पहले कभी स्कूल नहीं गई है, बट फिर भी मतलब कोशिश जारी है और आगे जो है आशा है कि इससे भी अच्छा मतलब रिजल्ट लाएगी वो। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।